IBFA भोजपुरी अवार्ड शो के दौरान वहां पर शिरकत की थी कई बॉलीवुड दिग्गजों ने, जैसे जरीन खान और सनी देओल। भाई सनी देओल की बिग फॉलोइंग है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। जी हाँ, बिग फैन फॉलोइंग है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। और तो और, यूपी बिहार के लोग सनी देओल को बहुत पसंद करते हैं। और सनी देओल की इमेज अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी की है तो वो कोई और नहीं, पवन सिंह है। तो भाई जब सनी देओल को ये बताया गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सनी देओल कोई और नहीं पवन सिंह है, तो इस बात को सुनकर दंग रह गए सनी देओल। और तो और, सनी देओल ने ये भी कहा कि इससे पहले वो पवन सिंह से कभी नहीं मिले। और तो और, उन्होंने ये भी कहा भले ही वो पवन सिंह से कभी नहीं मिले हो तो क्या, लेकिन उन्होंने उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू बहुत बार बहुत पार्टियों में सुना है। और हर बार ये गाना सुनने के बाद वो कभी न कभी ये ज़रूर सोचते थे कि इस सिंगर से मुलाकात कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगी। और पवन सिंह से मिलने के बाद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि पवन सिंह ये गाना गाए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पवन सिंह एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। और जिस तरह से पवन सिंह सनी देओल से मिले, सनी देओल का पैर छुआ, उसके बाद तो पवन सिंह के बहुत बड़े फैन खुद सनी देओल हो गए। यहाँ सनी देओल ने पवन सिंह से ये कहा कि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग यूपी बिहार से बिलोंग करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था यूपी बिहार का सनी देओल पवन सिंह को कहा जाता है। जब पवन सिंह ने सनी देओल को खुद बताया कि उनके कितनी फिल्मों के टाइटल में वो भोजपुरी में काम कर चुके हैं, तो सनी देओल दंग रह गए। वैसे भोजपुरी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भी सनी देओल काफ़ी चौंक गए हैं। उन्हें ये नहीं पता था इतनी बड़ी रिच भोजपुरी इंडस्ट्री की होगी। वैसे ये पवन सिंह के लिए किसी प्राउड मूमेंट से कम नहीं है कि अगर आप जिस इंसान के फैन हैं वो आपकी जमकर तारीफ करें। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं, और इस बात का खुलासा वो कई इंटरव्यूज में खुद कर चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।